दोस्तों कैसे हो। आज मैं लेकर आया हूँ जज और उसके क्लाइंट के बीच नाजायज संबंधों पर बनी इरोटिक थ्रिलर कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने इस भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कुछ ही दिनों में बाबी की शादी होने वाली होती है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी मना रही होती है। पर उसका दिल टूट कर चकनाचूर हो जाता है जब उसे सीक्रेट एडमायरर का गिफ्ट मिलता है। उस गिफ्ट में बाबी की फियांसी कायो की बेवफाई की तस्वीरें होती है। बाबी गुस्से में अपनी सगाई तोड़ देती है और कायो से कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती। बाबी बहुत रोती है और आखिर वो औरत कौन है ये जानने के लिए कायो के ऑफिस में अपने दोस्त पैटी और थियागो के साथ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कायो के ऑफिस में जाने से रोकता है, पर पैटी उसका ध्यान अपने और आकर्षित करती है। बॉबी को कायो के ऑफिस में निकोल के नाम से लिखा हुआ लव लेटर मिलता है, जिसके साथ कायो पिछले 2 साल से रिलेशन में है। गुस्से में वो उसके ऑफिस की तोड़फोड़ करती है और उसका लैपटॉप उठाकर अपने दोस्तों के साथ घर लौटती है। सारी रात वो घर पर रोती है, शराब पीती है। अगले दिन सुबह वो सलून में जाती है, तब उसकी दोस्त पैटी उसे समझाती है कि तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर लड़का जिंदगी में मिलेगा, तुम्हें अपने आप को संवारना होगा। इसलिए बॉबी अब अपने आप को संवारती है और खूबसूरत बनके ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस जाके अपने दोस्त थियागो से कहती है कि कायो के साथ के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स तुरंत डिसकंटिन्यूट कर डालो। थियागो उसे समझाता है कि हमारे बिजनेस का बहुत सा हिस्सा कायो से आता है, इसलिए हम उससे पंगा नहीं ले सकते। बाबी अपना फोल्डर कोर्ट में भूल आई थी और उसे कलेक्ट करने के लिए मार्को नाम के जज का उसे फोन आता है। दरअसल कायो के कंपनी पर फ्रॉड और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस चल रहे होते हैं और इसी केस के दौरान बाबी और मार्को एक दूसरे को देखते हैं। बाबी मार्को को देखते ही मॉम की तरह पिघलती है। उसके सपनों में ऐसा ही एक इंसान हमेशा आता है जिसके साथ वो बाइक रेसिंग करती है और फिर गराज के अंधेरे कमरे में जाकर अब्बा डब्बा चब्बा करती है। अब फोल्डर लेने जब बाबी जाती है तब वही सपना उसकी आंखों के सामने से गुजरता है। बाबी अपना फोल्डर कलेक्ट करती है और लौटते समय मार्को को मुड़ मुड़ कर देख रही होती है। कोर्ट के बाहर उसे एक बाइक दिखती है जो उसका भी पैशन होती है, इसीलिए वो उस बाइक की तस्वीर लेती है। तभी कायो वहां पर आता है और उससे माफी मांगता है। बाबी उसे माफ करने के मूड में नहीं होती, इसीलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, पर कायो अपनी दिल की बात कहना चाहता है। तभी वहां पे मार्को आ जाता है, जिसके डर की वजह से कायो वहां से चला जाता है। बाबी मार्को को शुक्रिया अदा करने के लिए ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है। दोनों भी बार में जाकर बातें कर रहे होते हैं, तभी मार्को को एक औरत दूर बैठकर घूर रही होती है, इसीलिए मार्को जाके उससे बात करता है, पर बाबी बिल पे करके वहां से निकल जाती है। बाबी घर जाने के बाद देखती है कि उसके घर का सामान उलट पुलट हो गया है, जैसे कि मानो गुस्से में आकर किसी ने उससे बदला लेने की कोशिश की हो। उसे कायो पे शक होता है। मदद के लिए वो अपने दोस्त थियागो को बुलाती है। थियागो और बाबी दोनों घर का सामान ठीक ठाक करते हैं। बाबी के ब्रेक ऑफ पर चांस पे डांस करने की कोशिश थियागो करता है, पर बाबी उसे रोकती है और हम दोनों अच्छे दोस्त है कहती है। इसके बाद वो कमिला को कॉल करती है, जिसे उसने अपनी पुरानी बाइक बेची थी। वह अपनी बाइक फिर से उससे खरीद लेती है। वीकेंड के लिए वो एक बाइकर ग्रुप को ज्वाइन करती है। ये ग्रुप बीच पे जाने वाला होता है। बाइकर गैंग का मुखिया एलेक्स ग्रुप में लड़की आने की वजह से बहुत खुश होता है। वही पे सरप्राइजिंगली एक और बाइकर आता है, जिससे मिलने के बाद बाबी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मार्को होता है। बीच पर पहुंचने के बाद बाबी स्विमिंग पूल में तैरती है। सभी लोग उसकी खूबसूरती को ताड़ रहे होते हैं। एलेक्स की तो राल टपक रही होती है, वो उसे शैंपेन ऑफर करता है, पर तभी मार्को आके उसका पत्ता काट देता है और सनसेट दिखाने के बहाने बाबी को लेकर वहां से चला जाता है। बाबी और मार्को दोनों भी समंदर के किनारे बैठकर बात करते हैं। मार्को उसे बताता है कि वो सिंगल है। बाबी भी उसे अपने सपने के बारे में बताती है। उसे सुनने के बाद मार्को उसे किस करता है, पर तभी मार्को को कॉल आ जाता है और उसे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ता है। मार्को पिछली बार की तरह ही बाबी को अकेला छोड़कर चला जाता है। शाम को बाबी बीच पर अकेली घूम रही होती है, तब समंदर के अंदर से मार्को बाहर आता है और दोनों भी बीच पर अब्बा डब्बा चब्बा करते हैं। उसके बाद स्विमिंग पूल में भी वही करते हैं। तब उनका वीडियो शूट हो रहा होता है। अगले दिन सुबह मार्को बाबी के लिए लेटर लिखता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। उसमें लिखा होता है कि मैं अपनी कहानी तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात के लिए शुक्रिया।
बाइकर ग्रुप जब घर लौट रहे होते हैं तब एलेक्स बाबी को समझाता है मार्को पे भरोसा मत करना क्योंकि वो बहुत ही सन की किस्म का इंसान है। बाबी ऑफिस पहुंचती है और अपना काम कर रही होती है तभी उसे अननोन ईमेल से एक वीडियो आता है जिसमें बाबी और मार्को स्विमिंग पूल के अंदर छैया छैया कर रहे होते हैं। उसे देखकर वो डर जाती है और तुरंत अपनी सहेली पैटी से बात करती है। पैटी उसे पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। बाबी को शक होता है कि इसके पीछे कायो है या फिर थियागो है। बाबी पैटी को थियागो वाला किस्सा सुनाती है, उसने बाबी को किस करने की कोशिश की थी। पैटी उसे बताती है कि थियागो तो कल रात अपने दोस्तों के साथ था। वो उसे थियागो का सोशल मीडिया वाला पोस्ट भी दिखाती है जिसकी वजह से बॉबी का शक दूर हो जाता है। शाम को बॉबी जब घर जाती है तब मार्को उसे कॉल करने की कोशिश करता है पर बॉबी उसका फोन नहीं उठाती। अकेले वाइन पीते समय उसके दिमाग में दुनिया की सबसे महंगी शराब कौन सी है ये सवाल आता है। उसे पता था कि कायो को महंगी चीजों का शौक है। दुनिया की महंगी वाइन का नाम कायो के लैपटॉप में एज अ पासवर्ड एंटर करती है और कायो का लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। इसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट्स खोलती है तब उसे समझ में आता है कि कायो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसका माफिया के साथ रिलेशन है। ये बात जाकर वो थियागो से बताती है। थियागो कहता है कि मुझे माफ करना पर इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। तभी बाबी को मार्को द्वारा भेजा गया रेड रोज बुके मिलता है। थियागो उसे समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं, जरा संभल के रहना। तभी पैटी बाबी से कहती है कि थियागो तुमसे जलता है। बुके में बाबी के लिए मैसेज होता है कि ठीक शाम 7 बजे मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक करने के लिए आएगा। शाम को 7 बजे बाबी ऐसे तैयार होती है जैसे मानो कि उसे भी इस लम्हे का दिल से इंतजार था। वो मार्को के घर जाती है, दोनों भी साथ में डिनर करते हैं और बातें करते हैं। वॉशरूम जाने के समय बाबी गलत कमरे में चली जाती है जहां पर बच्चों का क्रिब यानी कि झूला होता है। तभी मार्को आकर उसे वॉशरूम का रास्ता बताता है और वो डोर क्लोज करता है। उसके बाद दोनों भी साथ में शराब पीते हैं और बाबी अपने दोस्त पैटी को अपना लाइव लोकेशन मोबाइल से भेजती है। दोनों भी पूरी रात एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बिताते हैं। तभी अचानक मार्को के घर में वही औरत आती है जो उसे बार में घूर रही थी। वो उसका नाम पॉला बताती है और वो मार्को की बीवी है। पॉला बाबी से कहती है कि मार्को भरोसे के लायक नहीं है, मार्को ने जब अपनी बीवी को नहीं छोड़ा तुम तो खैर गैर हो। ये देखने के बाद बाबी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मार्को के घर से बाइक पर निकलती है। रास्ते में कार के टकराने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल में उसे मिलने के लिए उसके पेरेंट्स, दोस्त पेटी और थियागो भी आते हैं। मार्को भी उसका हालचाल पूछने के लिए वहां पहुंचता है पर बाबी अब भी उससे नाराज होती है इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ता है। अस्पताल से बाहर आने के बाद मार्को अपने दोस्त फर्नांडो से एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज मांगता है और साथ ही में कायो पे नजर रखने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद बाबी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलता है और वो घर पर आती है। मार्को उससे मिलता है और कहता है कि मुझे अपनी सफाई का एक मौका दो। वो उसे अपने साथ अस्पताल लेकर जाता है जहां पर वो अपनी बेटी विक्टोरिया के बारे में बताता है। उसे जन्म से ही एक रेयर डिसीज इमैनुअल सिंड्रोम है, साथ ही साथ उसे बर्थ डिफेक्ट और डेवलपमेंट इश्यूज भी है जिसकी वजह से उसे 24 घंटे अस्पताल में रखना पड़ता है। पॉला उसकी माँ है और वही इन सब चीजों की जड़ है क्योंकि शादी से पहले उसे ड्रग्स की आदत थी, प्रेगनेंसी के दौरान भी उसने ड्रग्स लिए थे और बच्ची की ये हालत देखने के बाद वो बौखला गई थी। एक दिन उसने बच्ची को अस्पताल से लेकर जाने की कोशिश की जिस वक्त हम बीच पर बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने अब उससे रिश्ता ही तोड़ दिया है। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है। बाबी को उसकी बात पर यकीन हो जाता है पर हम दोनों को रिश्ते के बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन मार्को को एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज मिलता है। बाबी के बाइक के साथ टकराने वाली कार चोरी की थी जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि बाबी की जिंदगी को खतरा है। वहाँ ऑफिस में बाबी थियागो से मिलती है जहाँ पर थियागो उसे बताता है कि सबूत मैंने अपने लॉयर को दिए हैं। बॉबी कहती है कि क्यों ना सबूत हम मार्को के हवाले कर दे, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। थियागा इस चीज के लिए तैयार होता है पर उसे कुछ जरूरी काम निपटाने होते हैं इसीलिए वो बाबी से कहता है कि शाम को मैं तुम्हें घर से पिक करूंगा और सारे सबूत भी लेकर आऊंगा, उसके बाद हम मार्को के घर चलेंगे। इसके बाद थियागो कायो से मिलता है और उसे बताता है
कि मैंने बाबी को रोकने की बहुत कोशिश की, उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की, वीडियो बना के ब्लैकमेल करने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने उसे मारने की कोशिश भी की, पर वो रुक नहीं रही। अब सारे सबूत वो जज को देने जा रही है, जिसके बाद हम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा, या तो वो जिंदा रहेगी या फिर हम। कायो अब भी बाबी से दिल ही दिल में प्यार करता है, पर ना चाहते हुए भी उसे थियागो का साथ देना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बातचीत के दौरान टेबल के नीचे रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा हुआ है, और ये सारी बातें मार्को सुनता है और उन दोनों के प्लानिंग के बारे में उसे पता चल जाता है। शाम को थियागो बाबी को पिक करता है और मार्को के घर ले जाने के बजाय जंगल की ओर चला जाता है। मार्को बाबी को कॉल करने की कोशिश करता है, पर थियागो उसे कॉल उठाने से मना करता है। मार्को को पता होता है कि बाबी के मोबाइल में एक ऐसा ऐप है जिसका लोकेशन पेटी के मोबाइल से ट्रैक किया जा सकता है। इस ऐप के बारे में बाबी ने ही पैटी को बताया था, इसीलिए वो पैटी को कॉल करती है। पैटी अब मार्को को गाइड कर रही होती है कि बाबी का लोकेशन कहाँ है। तब तक बाबी और थियागो जंगल में पहुंच जाते हैं। कायो ने बाबी के लिए कब्र खोदी है। कायो और थियागो दोनों भी उसे कब्र में जाने के लिए कहते हैं। थियागो कायो को गोली चलाने के लिए कहता है, पर वो उससे मना कर देता है। दोनों के बीच में बात चल रही होती है, तभी बाबी मौका देखकर वहां पर गिरा हुआ फावड़ा दोनों को मारती है, पर गन फिर भी थियागो को मिलती है। गुस्से में थियागो कायो को मार देता है और बाबी को शूट करने वाला ही होता है, तभी मार्को आ जाता है। दोनों के बीच मुठभेड़ हो जाती है और मार्को के पेट में गोली लगती है। फिर से थियागो बाबी पे अपना निशाना साधता है, पर तब तक फॉरेस्ट ऑफिसर आकर कायो को शूट करती है। इसके बाद कायो और थियागो को मृत घोषित किया जाता है और मार्को का एम्बुलेंस में इलाज किया जाता है। कुछ दिनों बाद बाबी और मार्को दोनों भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और अंत में फिर से अब्बा डब्बा चब्बा करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।